हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यूएशन दैट ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड इन लास्ट लेक्चर एंड वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड आई हैव गिवन यू क्वेश्चन नंबर 3 इन योर वर्कबुक हैज योर होमवर्क। आई होप यू ऑल हैव डन। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 13 इन आवर वर्कबुक। सो ओपन द पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 13 इन योर वर्कबुक। As we know that exercise 13.2 is all about inversely proportion, है ना। हमने कल ही देखे थे कि जो एक्सरसाइज 13.2 जो है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शन के बारे में है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया था, वहाँ पे क्या था कि हमें ये चेक करना है कि हमारा एक्स एंड वाई जो है क्या वो एक दूसरे से इनडायरेक्टली या तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, स्टडी ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड इन विच केसेस एक्स एंड वाई वैरी इनडायरेक्टली और इनवर्सली। अब आपको ये बताना है कि क्या कौन से क्वेश्चन में एक्स और वाई एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो मैंने आपको इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया है। क्या है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, क्या है, एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू। ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। अब आपको कैसे करना है, आपको ये चेक करना है कि गिवन टेबल इनवर्सली प्रोपोर्शन एक दूसरे के है या नहीं है। तो पहले हमारे पास जो x की वैल्यू है 5, 10, 20, 25, 50, उसे आपको ले लेना है x1, x2, x3, x4, x5, ओके। उसे आपको कैसे कंसिडर करना है, x1, x2, x3, x4, x5, इस तरह से आपको उसे कंसिडर करना है। फिर और यहाँ पे आपको y1, y2, y3, y4 एंड y5। अब आपको चेक करना है कि क्या ये x एंड y इस प्रॉपर्टी को, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कैसे, पहले आपको यहाँ से x1 y1, x1 क्या है आपका, x1 है 5, y1 है 40, ओके। और x2 क्या है, x2 है 10, y2 है 20। तो हम इस कंडीशन को देखेंगे। तो पहले हम x1 इंटू y1 करेंगे, यानी कि 5 इंटू 40 विच इज़ इक्वल टू 5 फोर ज़ा 20, यानी कि 200। फिर x2 y2 करेंगे तो 10 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 200। ये हो गया। यहाँ पे देखिए x1 ये वाली वैल्यू आ गई और x x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू ये है। अब ये आपने कंडीशन वन में देखा, यहाँ पे कंडीशन वन में x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, है ना, दोनों 200 इक्वल टू 200 आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब सेकेंड में आपको क्या करना है, फिर से आपको कंसिडर करना है x3 y3। हमें तो सबको x1 y1 के साथ ही कंपेयर करना है, हमें सबको x1 y1 के साथ कंपेयर करना है। तो अब हम x3 y3 लेंगे, तो इसका मतलब 20 इंटू 10 यानी कि 200। तो x3 y3 की वैल्यू भी आपको 200 आ गई। फिर x4 y4 कीजिए, x4 y4। मैं x1 y1 बार बार नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें तो बस एक बार करो, तो उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो 25 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 4 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20 यानी कि 200। अब x5 y5 कीजिए, x5 y5 कितना आएगा, 50 इंटू 4 यानी कि 200। अब देखिए जब आपने x1 किया 200 आया, x2 y2 किया 200 आया, x3 y3 किया यहाँ पे भी 200 आया है, x4 y4 भी 200, x5 y5 की वैल्यू भी 200। सीन्स देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 और ये वैल्यू सब x3 y3 से भी इक्वल है और ये x4 y4 भी इक्वल है और x5 y5 भी इक्वल है, ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, x एंड y आर इन इनवर्स
प्रोपोर्शन। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू नॉट इक्वल आती तो हम कहेंगे इट इज़ इन नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन, वो इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट करना है। देर आर टोटली 4 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, इट्स योर होमवर्क। ओके, आपको इसे सॉल्व करना है, इट्स योर होमवर्क। अब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 से हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 213 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 सी द क्वेश्चन। रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स मतलब ये जो इंटरनल लाइंस होती है ना, उसे स्पोक्स कहा जाता है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। और उसे इतने ऐसे स्पोक्स को फिट करना चाहता है कि अगर आप उनके बीच में एंगल्स को मेजर करो तो सबके एंगल्स इक्वल आने चाहिए। हेल्प हिम बाई कम्प्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। आपको ये सब नहीं देखना है, बस आपको ये टेबल पे ध्यान देना है। ना तो आपको एग्जाम में फिगर दिया होगा, ना तो आपको ये। अब देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स दिए हैं 4। अगर 4 स्पोक्स होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री की है, 90 डिग्री है। अगर आपके पास 6 स्पोक्स है तो उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। और अगर 8 होंगे तो कितनी डिग्री एंगल्स हो जाएगी, 10 होंगे तो कितनी डिग्री एंगल होगी, 12 होंगे तो कितनी डिग्री एंगल होगी। तो चलिए इसे ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 हैं तो एंगल 90 डिग्री है। जब आपके नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो गए तो आपके एंगल डिक्रीज हो गई है ना। तो ये क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। कौन से प्रोपोर्शन में है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे करना है, पहले तो आपको गिवन कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, गिवन हियर, मैं टेबल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करना है। ओके, हियर नंबर ऑफ, अगर आपके नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजेस, देन इससे क्या होगा, एंगल्स उनके बीच की जो एंगल का मेजरमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव्स, एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव्स कैसी हो रही हैं, डिक्रीज होती जा रही है, एंगल कम होती जा रही है, डिक्रीजेस। तो यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज का कंडीशन यूज हो रहा है, तो देयर फोर इट इज इन कौन से प्रोपोर्शन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 into y1 is equal to x2 into y2। आपके माइंड में ये फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। अब अपने टेबल ऑब्जर्व कीजिए। चलो मैं आपको यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। नंबर ऑफ स्पोक्स दिया हुआ है और मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ एंगल्स। स्पोक्स कितने हैं, 4, एंगल 90 डिग्री है। अगर स्पोक्स 6 है, एंगल 60 डिग्री है। अगर स्पोक्स 8 है तो कितनी होगी एंगल्स, 10 है तो कितनी एंगल्स आएंगी, और 12 है तो कितनी एंगल्स आएंगी। ओके, अब ये आपकी x1, ये आपका y1, और ये x2 y2। अब नेक्स्ट x4 y5, और यहाँ पे y3 y4 y5, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास कंडीशन क्या है, हम x1 y1 को यूज करेंगे x3 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू, हमारे पास x2 y2 ऑलरेडी दिया है तो उसे आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। x2 y2 दिया हुआ है तो उसे फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो x3 y3 हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, 4, y1 की वैल्यू क्या है, 90, x3 की वैल्यू 8, y3 की वैल्यू नहीं पता। सो 4 into 90 अपॉन 8 इज इक्वल टू y3। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 5 टू 5 ज़ा 10, यानी कि y3 की वैल्यू कितनी आएगी,
45 डिग्री। वाई थ्री की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री, जो मैं आपको पेंसिल से लिख के दिखा रही हूँ कि हमने इसे फाइंड आउट किया है और वो है 45 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है वाई फोर की वैल्यू, तो हम फिर से यूज़ करेंगे एक्स वन वाई वन को एक्स फोर वाई फोर के साथ, क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। ओके, तो एक्स वन की वैल्यू है 4 × 90, एक्स फोर की वैल्यू कितनी है 10, और वाई फोर की वैल्यू नहीं पता। सो 4 × 90/10 इज इक्वल टू वाई फोर। 4 × 1 = 4, कैसे करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 4 × 9 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। यानी कि जब आपकी विंग फोक्स 10 होंगी तो उनके बीच की एंगल कितनी होगी, 36 डिग्री। अगर आपके पास स्पोक्स 12 हैं, फिर से हम यूज़ कर रहे हैं एक्स वन वाई वन, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, वाई फाई की, इसलिए हम यूज़ करेंगे एक्स फाइव वाई फाइव। एक्स वन की वैल्यू क्या है 4, वाई वन की वैल्यू 90, एक्स फाई की 12 और वाई फाई की नहीं पता। सो 4 × 90/12 वाई फाइव, किसे कैंसिल करेंगे हम ऐसे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 30 = 30, यानी कि वाई फाई की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आया, वाई फाई 30 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने का तरीका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपनी टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी दिया है, तो हमें 1, 2, 3 का, हमने तो बस अभी टेबल की वैल्यू फाइंड आउट की है, 1, 2, 3 की वैल्यू तो फॉल करना बाकी है। तो 1 की वैल्यू आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रपोर्शन। ये कह रहा है कि क्या यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुई है और जो स्पोक्स है उनके, वो दोनों इनवर्सली प्रपोर्शन है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि येस वो इनवर्सली प्रपोर्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ एंगल्स डिक्रीज हो रही है। सो हम कहेंगे यस इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, यस वो एक इनवर्स प्रपोर्शन में है। अब क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। ये कह रहा है कि अगर एक्स 1 है तो सपोज नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 15 है तो उनके बीच में एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा, एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा, हमारा फिर से पता है कि एक्स वन वाई वन को यूज़ करेंगे, हमारे टेबल में 5 तक यूज़ किया था ना, हम इसे 6 ले लेते हैं, सो एक्स सिक्स वाई सिक्स की तरह। एक्स वन की वैल्यू क्या थी, 4 × 90, एक्स सिक्स की वैल्यू 15 दी है, वाई सिक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो 4 × 90/15 विच इज इक्वल टू वाई सिक्स, इसे कैसे कैंसिल करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 10 = 5, 1 = 5, 5 = 6, यानी कि 4 × 6 विच इज इक्वल टू 24 डिग्री। दिस इज यूर आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन 3 का देखिए, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अब आपसे कहा है कि अगर एंगल्स इज 40 डिग्री है, एंगल अगर 40 डिग्री है तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे। तो हम इस नंबर ऑफ स्पोक्स को एक्स 7 की तरह ले लेते हैं और जो एंगल दी है वो वाई 7 होगा। ओके, फिर से हम इनवर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वाई 1 एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 7 वाई 7। हम यहाँ पे कौन सा नंबर ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा फॉर्मूला ले रहे हो, कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो 4 × 90 इज इक्वल टू एक्स 7 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, वाई 7 की वैल्यू मुझे दी हुई है 40 डिग्री। सो 4 × 90/40, 0 0 कैंसल, 4 × 1 = 4, 1 = इज इक्वल टू 9 स्पोक्स। कितने स्पोक्स होते हैं, 9 स्पोक्स होंगे अगर उनके बीच की डिग्री की एंगल 40 है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रेन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी
would each get if the number of children is reduced 4? ये कह रहा है कि अगर 24 students हैं तो 5 sweets मिलेंगी एक एक को, अगर 4 students को reduce कर दो, कम कर दो, यानी कि कितने होंगे 20 students को कितनी sweets मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप से करना है, इट्स योर होमवर्क। सो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंटिल दैट टेक केयर एवरीवन, स्टे एट होम।